आपने देखा था ना, ये वाला जो सोफा था, ये मतलब मेरे इन लॉज की साइड से आया था, मेरे ससुराल की साइड से आया था। तो अब बस अपने ससुराल में ही वापस छोड़ के आ रहा हूँ ये सोफा ना। जो ये सीनरी है ना, ये भी मेरे ससुराल वालों ने दी थी। इन लॉज ने बोला था कि काफ़ी लकी होती है, बट जिस दिन से मैं ये लेके आया ना, मेरा सीरियसली बैड लक शुरू हो गया था। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइज, आज है 10th ऑफ मे है, वेडनेसडे है और अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और मैं 7 बजे से उठा हुआ हूँ। क्या है मतलब, आपको अपडेट कर देता हूँ, मेरा इस घर से जाने का टाइम आ चुका है। मतलब ये घर खाली करके मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। फिलहाल मैं ऑफ कैमरा शिफ्टिंग कर रहा था। मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे होता है ना घर में टूटने फूटने वाली चीज़ें होती हैं, जो मतलब ना आप ट्रांसपोर्टेशन में नहीं लेके जा सकते, लाइक सीनरीज वगैरह या फिर टीवी वगैरह, वो सब मैंने गाड़ी में ही शिफ्ट कर दिया है, पापा वाले घर पे शिफ्ट कर दिया है। और बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ बुला लूँगा। आपको ऑलरेडी पता है मेरे क्लेरिकल बोन में प्लेट डली हुई है, तो मैं हैवी वेट उठा नहीं सकता हूँ। तो मैं थोड़ी देर में लेबर वगैरह बुला के जो बाकी का जो मेन फर्नीचर है, जो सामान है, वो मैं पापा के वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ से हिसार से मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ, मतलब कुछ भी नहीं, बस अपने कपड़े वगैरह या जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे खुद की जो चीज़ें होती है ना, बस वही चीज़ें लेके जा रहा हूँ। और ऐसा फील हो रहा है यार, जैसे पेरेंट्स कभी कभी विल नहीं लिखते अपनी कि हाँ इस बेटे के हिस्से ये आएगा, इस बेटी के हिस्से ये आएगा, तो वैसा वैसा फील आ रहा है। लाइक ना यहाँ पे जैसे 2 कूलर्स हैं, तो उसमें से पापा और मैं रात को बात कर रहे थे कि कौन सा कूलर किसको देना है। जैसे RO वगैरह है, एक यहाँ लगा हुआ था और एक एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैंने पापा को बोल दिया एक मम्मी के वहां पे लगवा देंगे और एक RO आप अपने वहां लगवा देना। अभी आपको एक होम टूर दूं, मतलब एक वर्स्ट होम टूर दूं, जो मतलब सब जिसका जैसे होता है ना सब बर्बाद हो चुका है, वैसा होम टूर मैं आपको दिखाता हूँ अब कैसा है। इस रूम में मैंने अपनी बेसिक सी चीज़ें रखी है जो मैं साथ में लेके जाऊँगा ना, जैसे लैपटॉप वगैरह है, ये वैसे काम का नहीं है बट साथ में लेके जाऊँगा, प्लांट्स वगैरह ले जाऊँगा, कुछ सीनरीज वगैरह हैं। और यहाँ पे पूरा मैसअप हुआ पड़ा है, इसलिए प्लीज़ इग्नोर करना, कपड़े वगैरह हैं, पूरा बंडल बना के गाड़ी में ही छोड़ाऊंगा वहीं पे। और बाकी जो चीज़ें हैं मैंने पैकिंग कर ली है। और आपको बता देता हूँ, आपने देखा था ना ये वाला जो सोफ़ा था, ये मतलब मेरे इन लॉज की साइड से आया था, मेरे ससुराल की साइड से आया था। तो अब बस सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, इसको मैं वापस ही कर रहा हूँ, उनके वहीं पे छोड़ के आ रहा हूँ, अपने ससुराल में ही वापस छोड़ के आ रहा हूँ ये सोफा ना। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ घर में और क्या क्या चीज़ें थी जो आपने आज तक नहीं देखी होंगी। ये तो प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे क्या है पूरा एक एरिया बना के मैंने यहीं पे शिफ्ट कर दिया सारा सामान ना, ताकि फर्नीचर के बाद ये सब चीज़ें भी निकाल देंगे। इसमें क्या है, मेरी गाड़ी के अलॉयज वगैरह पड़े हैं और ये उसका सोफे का सेकंड पेयर पड़ा है, ये अलमारी है, ये पापा के काम आ जाएगी। पापा का जो सामान है ना वो थोड़ा मैसअप सा पड़ा रहता है, तो ये पापा वाले फ्लैट में रख देंगे, पापा के काम आ जाएगी। जो ये सीनरी है ना, ये भी मेरे ससुराल वालों ने दी थी। इन लॉज ने बोला था कि काफ़ी लकी होती है, बट जिस दिन से मैं ये लेके आया ना, मेरा सीरियसली बैड लक शुरू हो गया था। तो ये जो सीनरी है ना, ये भी अपने जो इन लॉज हैं उनके घर पे ही वापस छोड़ के आऊँगा। और आपने मेरा रूम देखा था पहले, कई बार देखा होगा बट इस हालत में कभी भी नहीं देखा होगा। मैट्रेस है वो नीचे बिछा लिया है, क्योंकि ये दीवान है, ये भी मैं छोड़ के आऊँगा, ये मैं पापा को दूंगा, पापा के बैक साइड में जो एरिया है ना वहाँ पे काम आ जाएगा। ये एक चीज़ है जो मैं लेके जाऊँगा, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे दिन में पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ और मुझे इसका पानी बहुत अच्छा लगता है। डिस्पेंसर से जब पानी निकाल के पीते हैं ना, एक अलग ही फीलिंग आती है वाटर कूलर से, और बोतल में से निकाल के भी उसमें वो मज़े नहीं आते, तो मैं ये साथ ही लेके जाऊँगा। आपने देखा था ना कितना प्यार से डेकोरेट किया था यहाँ पे ना, सब कुछ अच्छे से मैनेज किया था, पेंट वेंट कराया था, बट सिचुएशन ऐसी होगी पता ही नहीं चला। क्या होता है यार, इंसान को ना कभी तो जाना ही होता है, बट होता है ना कि एक अपनी मर्जी से जाना और एक होता है मजबूरी बन जाना। तो फिलहाल मजबूरी बन गई है ना, मतलब यहाँ से थोड़ा दूरी बना के रखना, बट इतना बोल रहा हूँ दूरी डिस्टेंस में होगी, किलोमीटर्स में होगी, माइलस्टोन्स में होगी, बट मेरी साइड से कभी भी दिल से दूरी नहीं होगी। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। और यहाँ पे दिखा देता हूँ, पापा का रूम खाली हो चुका है, ये एक डाइनिंग टेबल है, ये भी मैं सोच रहा हूँ पापा के फ्लैट में ही रख दूँगा। और रही बात, ये है RO, ये वाला मैं उतरवा के ये मम्मी के लगवा दूंगा, और एक और RO था वो मैं पापा के घर पे ऑलरेडी शिफ्ट कर आया हूँ, गाड़ी में ही छोड़ आया हूँ, तो वो भी लगवा देंगे जल्दी से जल्दी। और ये फ्रिज यार, इससे तो बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, मतलब क्या यार, इसने ही तो पॉपुलर किया था कुछ चीज़ों को तो ये फ्रिज है, ये वाला भी पापा के वहीं रखवा दूंगा, क्योंकि मम्मी के वहाँ पे ऑलरेडी पड़े हैं। तो ये वाला है, जुगाड़ सा है, देखेंगे ये जब तक चलता है, अदरवाइज नया ले लेंगे पापा के लिए। बस ये था होम टूर, आपने देख लिया होगा ये रूम्स थे, ये 3 BHK था, मेरा रूम, पापा का रूम इस साइड पे था, वो यूट्यूब स्टूडियो बनाया हुआ था वो 3rd रूम, ये था वॉशरूम जो कॉमन वॉशरूम था, और मेरे वाले में अटैच वॉशरूम था।
और यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से रख सकते थे अगर चाहते ना, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते थे। ये एरिया बनाया हुआ था मंदिर के लिए बनाया हुआ था। सोचा तो बहुत कुछ था इस फ्लैट के लिए ना कि पूरी फैमिली साथ में रहेगी, इसीलिए लिया था। बट कुछ चीजें होती हैं, बट अब जब जहाँ जाऊँगा ना वो मेरे हिसाब से होगा, वहाँ किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। वो आपको घर जो देखने को मिलेगा ना, अगर उसमें कभी कोई कमी मिले, थोड़ा मतलब ऐसा लगे कि अकेला रहूँगा, बट मैनेज करके रखूँगा, ऑर्गेनाइज करके रखूँगा अच्छे से, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। तो अभी बस सोच रहा हूँ कि एक बार ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को बुला लेते हैं, और मैं क्या यार बस उठा था, उठते ही आपके सामने आ गया, एक बार रेडी हो जाता हूँ, फिर जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को बुलवाने। So guys, this is my daily morning routine. When I wake up in the morning, I use Mama Earth charcoal face wash with activated charcoal and coffee, which gives freshness to my skin as I am having oily skin. So this face wash is best for my oily skin, and it's dermatologically tested, and it's free from parabens, SLS, sulfates and silicones. It is having all natural ingredients, and it protects you from pollution and also helps you open your pores. Let me also tell you that all Mama Earth products are free from harmful chemicals and all are natural. It contains ingredients like aqua, glycerin, sodium, PCA, coffee extract, activated charcoal powder, aloe vera extract and tea tree oils and so many other natural ingredients. Let me also tell you that Mama Earth is an Indian brand and they also help recycling plastic. And every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant. Picture and the species of the tree will be sent to you. And now they have launched their official app called Mama Earth app. You can also buy Mama Earth product from so many websites like Amazon, Nykaa, Purple, Flipkart and many others. काफी ज्यादा ग्लो आ चुका है, मतलब तो मेरा ना ऑयली स्किन है, और ऑयली स्किन पे पूरा दिन क्या होता है, जो जब हम बाहर जाते हैं तो ऑयल डस्ट पोल्यूशन वगैरह बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो आपने देख लिया होगा मैं यूज करता हूँ Mama Earth का चारकोल फेस वॉश, और देख लो यार ये फेस वॉश करते ही फेस पे ग्लो आ चुका है। आपने रिजल्ट तो आपने देख लिया होगा, तो मैं डेफिनेटली आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप ये ऑर्डर कर सकते हो, और ऑर्डर आप बहुत जगह से कर सकते हो। लाइक अगर आप इनकी प्रॉपर वेबसाइट से mamaearth.in से ऑर्डर करते हो तो वहां पे आप मेरा कूपन भी अप्लाई कर सकते हो, उससे आपको इंस्टेंटली 20% और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे कूपन से इसको ऑर्डर करते हो। बाकी सारे जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां आप चेकआउट कर सकते हो आप कहां कहां से इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो गाइस अभी मैंने वापस से वो ये वाली टी शर्ट डाल लिया, क्योंकि आज जो काम करने हैं ना वो लेबर वाले काम ही करने हैं आपके भाई को, तो चलता है यार ये वाली टी शर्ट में ये सब कुछ कर लेंगे। अभी मैं एक बार पापा के वहां पे जा रहा हूँ, पापा के साथ जाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को लेने। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ये ना जो आर ओ है ये गाड़ी में ही ले चलता हूँ, और इसमें शायद ना अभी पानी है, तो एक बार पानी खाली कर लेता हूँ। तो अभी आर ओ पूरा खाली हो चुका है, तो अभी इसको साथ में ले चलता हूँ गाड़ी में, पापा के घर पे ये भी रख दूंगा। धीरे धीरे काम कर रहा हूँ यार, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्प करने के लिए नहीं है मेरी वीडियो बनाने के लिए ना। तो अभी बस एक बार इसको गाड़ी में रख लेता हूँ और पापा के वहाँ ले चलते हैं। तो गाइस आरओ रख लिया है गाड़ी में, अभी चलते हैं पापा के वहाँ पे ना। स्कूटी खड़ी है पापा की, मतलब पापा यहीं पे हैं। गाइस मैं आरओ ले आया हूँ पापा वाले फ्लैट में, चले पापा। अभी लेबर से बात हो गई है, वो भी थोड़ा नखरे कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको आगे काम जाना है, हो नहीं पाएगा। मैं बोला 10 मिनट होगा, 10 मिनट में लेके आ रहा हूँ गाड़ी। यहाँ से आपको विहान दिखाता हूँ, देखना दिख रहा होगा ना, यहीं मिल जाएगी ना पास में वो टाटा एस। तो चलो, तो गाइस गाड़ी है वो बुक कर लिया, अभी 15 मिनट में हो जाओगे ना आप फ्री? ठीक है पापा, आप इनके साथ ही आ जाना, मैं इतने ना वो लेबर से उतरवा लेता हूँ सामान वगैरह। तो गाइस भैया भी मिल चुके हैं, अभी भैया को एक बार बिठा लिया है, आ जाओ बैठ जाओगे आराम से। हाँ एक बार बस एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, अभी एक बार जितनी देर में पापा गाड़ी लेके आते हैं सामान मैं उतरवा के बाहर रखवा लेता हूँ यहाँ पे ना। गाइस मैंने भैया को बता दिया है ये अलमारी है, पहले एक बार अलमारी नीचे उतरवा लेते हैं, थोड़ा सा एंगल बना लेना, चोट मत खा लेना आप भी। कोई नहीं, आराम आराम से उतार लो एक बार, इसके रेलिंग के ऊपर ऊपर से ले लो, पीछे देख लेना, पीछे ना शीशा है। और है तो कोई और बुला लो आप, आपके साथ कोई आता उसको दे देंगे जितना बनेगा। तो गाइस अभी भैया ने एक और लेबर को बुलाने गए हैं, दो लोगों से पॉसिबल हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ से उतारना है और फिर आगे चढ़ाना भी है, तो वहाँ दिक्कत आएगी, तो अभी एक और बुला लेते हैं। कोई नहीं, इनका जितना बनेगा वो दे देंगे यार। तो गाइस अभी एक भैया और आ चुके हैं हेल्प करने के लिए, चोट मत खा लेना, नीचे पकड़ो आराम से।
का स्लिप कर दो। कोई नहीं आराम से कर लो। ये वैसे रेलिंग के ऊपर ऊपर से लेके आए थे आप लोग है ना। कोई नहीं आराम से करो। दो जने नीचे लग जाओ क्योंकि वेट नीचे ही आएगा सारा। मैं छोड़ूं? हां छोड़ दे। आप लगा ही नहीं। छोड़ रहा है छोड़ रहा है। कोई नहीं। और ये तो अभी बस अलमारी उतर रही है। ठीक है। हां सही है। गेट पे रख दो एक बार। इतनी गाड़ी आ रही है ना वो निकलवा लेंगे फिर वहीं रख देना। आई गई क्या? ठीक है हाँ साथ के हाथ रखवा देंगे लोड करवा देंगे आगे। ये सबसे आगे ही रखवा देना। ये हिस्सा आगे होगा। साइड में लगाओ। टेबल निकाल लो पहले। ये हल्का सा ही है ये वाला। हाँ ये आराम से चला जाएगा। एक बार ये नीचे रख देना ये ना बाद में ना दीवान के ऊपर आ जाएगा। आप इतने कूलर निकाल लो यहाँ पे कूलर पड़े है। ये तो चला जाएगा हल्का है। ये तो खोल लेते ना ये तो आराम से पकड़ बन जाती है। हाँ ऐसे ले जो रेलिंग के ऊपर ऊपर से। रख देना ये बाहर है ना सबसे लास्ट में लगा देना दीवान के ऊपर। ये दीवान निकलवा दूँ अभी सोफे लास्ट में हो जाएंगे। पौधे वगैरह टेबल। हाँ टेबल रखवा देता हूँ एक बार ना। पहले दीवान निकल जाए। मेन तो दीवान है। टेढ़ा होके आएगा। टेढ़ा होके आएगा। हाँ 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 ऐसे ही ऐसे ही। हाँ पुराने दीवान है भारी होते हैं ना पुरानी लकड़ी के। आजकल तो हल्के हल्के से आ रहे हैं। वैसे आप जो कर रहे हो ग्रिल के ऊपर ऊपर से आप घुमा के भी लेके जा सकते थे। ग्रिल नहीं है जो लगी हुई है इसके ऊपर ऊपर से घुमा के ले जाओ तो आप पे वजन भी नहीं आएगा हाथों पे नहीं आएगा। शिफ्टिंग में ना सीरियसली बहुत बड़ा कुत्ती है। जितनी बार भी आप शिफ्ट करते हो ना आपका फर्नीचर पूरा डैमेज हो जाता है। कहीं ना कहीं से स्क्रैच पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं टूट फूट होती ही होती है ना चलते हुए भी ना। ये बाहर निकाल के तो उठा ही लेना। उठाने में ज़्यादा आसान रहेगा। भैया लोग भी सोच रहे होंगे साइड में खड़ा खड़ा बस ज्ञान दिए जा रहे हैं लेकिन इनको नहीं पता मेरे क्लैरिकल बोन में प्लेट डली हुई है। ना ना बिछ जाएगा आराम से इतनी जगह। हाँ हाँ करो ट्राई करो आराम से बिछेगा। तो चलो नहीं बिछेगा सर जी। वहाँ टांगे हट रही हैं क्या? नहीं बिछेगा जी। नहीं आएगा। नहीं ये बाहर निकालो आप एक बार। बाहर निकालो। बाहर निकाल के सीधा अंदर डाल देना। एक बार ये बाहर निकाल लो। बाहर सीधा यूं चला जाएगा। ये मोड़ पे दिक्कत आ रही है। नहीं जाएगा सर। चलो चलो एक बार बाहर निकाल के नहीं जाएगा। निकालो तो एक बार बाहर निकाल लो। अलमारी से पहले इसको सीधा कर लो। हाँ अभी एक बार सीधा करके देखो। आ गया। आ गया ना। नहीं आएगा नहीं आएगा। बीटेक करी हुई है भाई मैंने। चलो आगे वो सामान निकालते हैं। दो दो उठा लो ये ज्यादा वो नहीं है वजन इनमें। फोटो ये भी ले रहा कुछ बोल लिया हमने। ये दीवान के अंदर रख देना। अंदर दीवान के। हाँ अंदर दीवान के दो ले जाओ। नस पे नस चढ़ जाएगी सीढ़ियों पे। चोट मत खा लेना भैया। देख लो गिर वीर मत जाना। ये छोड़ा हुआ आप एक बार उसके अंदर डाल देना फिर ये टेबल निकाल लेंगे। ये हाई फ्रिज निकाल लेना। फ्रिज खाली कर दिया है और यहाँ आपको दिखा देता हूँ इसमें दूध बड़ा था काफ़ी टाइम से ना वो एक्सपायर हो चुका है। फेंकना पड़ेगा। ये फेंक देता हूँ एक बार। बहुत कीमती फ्रिज है भैया ध्यान से लेके जाना थोड़ा सा ना। बहुत फैन फॉलोइंग है इसकी भी। सीधा खड़े खड़े भी लेके जा सकते हो वैसे तो बस ये पीछे का ध्यान रखना इसका। ये सीधा ही लेके जाना चाहिए था आपको उल्टा नहीं करना चाहिए था। इसमें ऑयल होता है वो मिक्स हो गया होगा शायद। अब सीधा लेके जाते हैं फ्रिज कभी भी ना उल्टा नहीं करना चाहिए। इसमें ऑयल होता है वो मिक्स हो गया होगा खराब ही होगा होगा शायद। अभी कुछ भी नहीं होता सारी चीज़। नहीं नहीं जो है जो चीज़ टेक्निकल वो इसमें ऑयल होता है कंप्रेशर होता है इसका। कोई नहीं चलो ले जाओ आप तो सीधा करके ले जाओ। सीधा ही रख लेना। खड़ा करवाऊँ या कैसे? अब एक जना ऊपर जाके खड़ा कर दो। ले आइए तो उल्टा करके वैसे थोड़ा सा उल्टा ही लाए हैं। कोई नहीं देखते हैं चल गया तो गया। नीचे का भी गया।
यार इसमें वैसे बच क्या रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा इस फ्रिज में ना। पहले दो टांगे टूटी हुई थी इसकी, अब तीसरी भी टूट गई। ये एक और तोड़ दो, चौथी भी बराबर हो जाएगा। ये रख लो, हाँ ये दीवान के ऊपर आ जाए तो ठीक है, उसके ऊपर दूसरा टेबल आ जाएगा। अकेले ही ले जाओगे? अरे वाह सही है, फिर आप सोफा निकाल लो, ये वाला यहाँ पे है ना, ये बाहर निकालो यार, निकल तो ऐसे ही जाएगा। ये बस एक ये है और एक वो वाला सोफा है। ये गद्दियाँ कहाँ पे, तो मेरे को तो ये निकाल देता हूँ एक बार। पहले ऊपर लेके जाओ, फिर एक जना नीचे जाके मोड़ लेना, रेलिंग के ऊपर ऊपर से ले जाओ चाहे घुमा घुमा के। बस अब एक ये सोफा तो है, बाकी तो देखते हैं क्या है। भैया भी लेट हो रहे हैं, इनको भी ना 6 बजे जाना था आपको। हाँ 6 बजे जाना था, थोड़ा सा लेट होने वाले हैं। कोई नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा, गाड़ी में ही छोड़ दूंगा वहाँ पे। तो ना सोफा आप ही मत रखवाना, सोफा आप नीचे ही रख देना। अच्छा। सोफा लास्ट में बस गाड़ी में बाहर लेके जाएंगे। नीचे ही रख दिया हमने सोफा। हाँ हाँ उसमें कूलर रख देना बस उसमें ना। हाँ ऊपर ऊपर से ले लो, लास्ट ही है अब केयर करनी। गाइस अभी बस एक बार ये वाला सामान शिफ्ट करवा देता हूँ वहाँ पे, एक चक्कर वहाँ पे रखवा के फिर लास्ट में ये रखवा लूंगा। बस ये हो गया। तो गाइस देख लो लास्ट बार ये जो सामान है ये जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे अब आसपास वाले सारे लोग देख रहे होंगे, चोल में ना नई एंट्री हो गया, कोई नया शिफ्ट हो रहा है और लोगों को लग रहा होगा शायद मैं ही यहाँ पे रहने आने वाला हूँ। तो गाइस सामान है अभी एक बार नीचे रख दिया है, और वहाँ पे देख लो अलोइज मैंने अंदर रख दिया है एक बार, बयान खेल रहा है उनसे। तो एक बार चलते हैं भैया को वहाँ पे, सोफा वगैरह लेते हैं वहाँ चलते हैं एक बार। तो गाइस ये है, तो ये सीनरी थी, पता नहीं मेरे लिए बहुत अनलक्की थी, ये भी ले चलते हैं वापस ही कर दूंगा ये भी उनको ना। और ये जो सोफे की गद्दियाँ थी वो मैंने ऊपर से ही फेंक दी थी, और ये सीनरी है ये गाड़ी में ही रख लेता हूँ, मैं गाड़ी में ही ले चलता हूँ, टूट फूट होगी फिर। मतलब क्या है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, हर चीज़ मेरे ऊपर आ जाती है। तो गाइस सोफ़ा वगैरह रखवा दिया, आप इसी गाड़ी में आ रहे हो? हाँ तो आप चलो बता देना भैया को ना रास्ता, गेट तक का नहीं गेट तक का बता दो, पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ वहीं। तो बस अभी एक बार जल्दी से वहाँ पहुँचता हूँ और आपको बताता हूँ, फ़ोन बिल्कुल ऑफ होने वाला है और मैं चार्जिंग केबल नहीं ले गया गाड़ी में। तो गाइस अभी पहुँच चुका हूँ, पापा कॉल भी आ रहा है, ये खड़ी शायद गाड़ी ना, इनको बता देता हूँ रास्ता आगे का। आ जाओ गाइस अभी पहुँच चुके हैं, बस जल्दी से सोफ़ा वगैरह उतरवा के रखवा देता हूँ यहीं पर ना। ये रखनी है एक बार ना सीट के बीच में ही आ जाएगी ये तो शायद। यही आ जाएगी, इसके ऊपर सीट्स आ जाएंगी। दे दो गद्दियाँ और दे दो, ये गद्दियाँ होगी 1 2 3 और एक और लेके आता हूँ यार, 4 पूरी दे दो, ये भी ये होगी चारों गद्दियाँ। तो गाइस जो सोफे हैं वो रख दिया एक के ऊपर एक रख दिया, इसके बीच में गद्दियाँ और वो सीनरी है। तो अभी चलते हैं एक बार भैया को पे कर देते हैं। लो भैया आपके वैसे, लो भैया आपने जो हेल्प करवाई उसके लिए 100 रुपये और रख लो, थैंक यू। खुश हो आप? चले आपा आ जाओ आ जाओ। चलो यार फाइनली घर चलते हैं, सुबह बुला लें लेबर वगैरह सुबह, मतलब जितना छोटा मोटा है वो तो मैं रखवा दूंगा अभी, बाकी जो दीवान और अलमारी वो अपने से नहीं जाएगी, है तो खाली अपने से जाएगी नहीं वो। और यहाँ पे अभी एक बार पापा और मैं यहाँ डोसा खाने रुक गए हैं, सुबह से खाली पेट थे ना, तो पापा ने बोला कि डोसा खा लेते हैं, काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं यहाँ का, पता ना खा के कैसा लगा, वही है टेस्ट पुराना। ठीक है जल्दी जल्दी खा लो फिर घर चलते हैं एक बार ना। तो गाय डोसा खा लिया पापा ने भी और मैंने भी, ना चले अभी आ जाओ चलते हैं। 3 बटर मसाला, 2 यहीं एक पैकिंग है, ठीक है थैंक यू। देख लो गाय बाहर अंधेरा हो चुका है, चलो चलते हैं आ जाओ। तो गाइज अभी 9 बज रहे हैं और जस्ट मैंने अभी घर में एंटर किया है, फोन है वो स्विच ऑफ हो गया था तो व्लॉगिंग नहीं कर पाया। अभी मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं पापा के वहाँ पे घर पे गया था और पापा का जो माइनर सामान था ना, जैसे कि फ्रिज था, कूलर था, अलॉय व्हील्स थे और कुछ चीज़ें और थी, वो मैंने खुद से ही शिफ्ट करवा दिया पापा वाले घर में ना, क्योंकि नीचे था थोड़ा सा डर ही रहता है ऐसी चीज़ों का। और बाकी अब सिर्फ 2 टेबल और मेन एक दीवान और एक अलमीरा बची है, वो नीचे है, वो कल देखता हूँ लेबर को लेके आऊँगा, उनसे ही उनकी हेल्प से ही ऊपर शिफ्ट करवाऊंगा। और अभी सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो ठीक है इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड कर देता हूँ। अगर आज का वीडियो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।